आज सुबह उठते ही मैंने इंस्टाग्राम खोला और मेरे सामने इतनी सारी पैनकेक्स की वीडियोस आई ना, अब मेरा दिल कर रहा है खाने का। और अभी मैंने नाश्ता किया भी नहीं है और मुझे पैनकेक्स ट्राई भी करने का दिल कर रहा है, तो सोच रही हूँ बना के ट्राई कर लूँ। मैंने वैसे एक आधा रेसिपी देखी है रील्स में ही, देखने में तो ईजी लग रहा है बट बना के देखते हैं। मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं सच्ची पैनकेक खाने की अब, तो लेट्स ट्राई इट। अच्छा, मैंने जो रील देखी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक अदद बनाना चाहिए होगा और उसको फिर मैश 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 करना है अच्छे से, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक अदद अंडा और इन दोनों को आपस में सही से मिक्स करना है। वैसे फॉक से हो नहीं रहा है तो आई एम गोना ट्राई इट विद द बीटर, दराज से लिया है मैंने, बड़ा मस्त बीटर है, कॉफ़ी के लिए हर चीज़ के लिए बेस्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलो फिर इससे अच्छे से मिक्स करते हैं दोनों चीज़ों को। अच्छा, तो ये थोड़ी फ्रॉदी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसमें ऐड करना है मिल्क और इसके बाद मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। वीडियो में पता नहीं कितना था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं तुक्के से डाल रही हूँ ये, तकरीबन 1, 2, 3 और 4 चम्मच आई थिंक, इट्स फाइन। बाकी अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी भी ऐड कर लेना। मैंने इससे पहले कभी पैनकेक्स नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मेरे रेसिपी फॉलो मत करना, कोई अच्छी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। बट ये जी कंसिस्टेंसी है, ये सब कुछ मिक्स करने के बाद अब जी बस ये हो गया, आई थिंक इसका बैटर रेडी। अब इसको बस कुक करते हैं। अच्छा, एक फन चीज़ दिखाऊँ, ये हमारा लाइटर है, दराज से मंगवाया था हम लोगों ने, इतना मज़े का कूल सा है ना ये, इसमें आग नहीं जलती, चिंगारी जलती है ये देखो ये। और रीफिल करने की टेंशन भी नहीं है, इसको बस चार्ज करना होता है और फिर आराम से महीना तक तो चल जाता है, बड़ा ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाह जी, ट्राई करते हैं अब हमारा पहला पैनकेक, लेट्स सी कि कैसा बनता है। मुझे लग रहा है इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया है, आई थिंक कंसिस्टेंसी थोड़ी ऑफ है, बट खैर है, लेट्स सी। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओ यार, ये तो वैसे शक्ल नहीं है जैसी होनी चाहिए इसकी, क्या हो गया यार ये, आँच आँच तो तेज़ नहीं है कहीं मेरी। मैंने फ्लेम और कम कर दिया है, अब ये सेकंड ट्राई करते हैं, लेट्स लेट्स होप के ये सही बने प्लीज़। ये तो उसे बेकार बना है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, आई होप कि इस बार शायद सही बन जाए। ओके, दिस वन इज़ काइंड ऑफ नाइस, आई थिंक ये बेटर है, ये वाला बेटर है, हाँ आई थिंक अब बेहतर बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे आ गया है। अब ये एक और ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। ओ नाइस, अमेजिंग, ये बेस्ट है अभी तक का। वो जो ऐसे बिल्कुल गोल्डन फ्लफी वाले पैनकेक्स होते हैं ना, मुझे वैसे बनाने में बड़े मज़े के लगते देखने हैं, बट लेट्स कीप ट्राइंग क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना बेटर था उसके तो ये पैनकेक्स बना लिए हैं, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइमर के लिए दे आर प्रीटी गुड, आई थिंक अच्छे ही हैं, इतने बुरे नहीं हैं। बाकी ये जी मेरे पास पड़ा हुआ है चॉकलेट टॉपिंग, चॉकलेट सिरप है ये, तो ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से डाल लेते हैं क्योंकि मैं 5-star मिशेलिन शेफ। जस्ट किडिंग। नाउ आई एम गोना ऐड सम अदर टॉपिंग्स टू मेक इट लुक क्यूट एंड प्रेजेंटेबल। तो ये मैंने बनाना स्लाइस किया हुआ था और कुछ स्ट्रॉबेरीज। नाउ इट्स रेडी एंड इट्स टाइम फॉर टेस्ट टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स ट्राई इट। यार चीनी कम है, आई मीन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शायद और डाल सकती थी, बट स्टिल मुझे पर्सनली तेज़ मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी वन थिंग, ये पैनकेक्स में बहुत फ्लफी और सॉफ्ट हैं, तो मतलब मज़े गए हैं। यम्मी, नाउ लेट मी ईट इट, आई एम हंग्री, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो आई एम ट्राइंग टू शूट अ यूट्यूब वीडियो राइट नाउ, ये मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे हेयर केयर के, एंड साथ साथ में हम देखेंगे नेटफ्लिक्स। और आजकल मैं ये देख रही हूँ क्वीन ऑफ टेयर्स, अभी मेरा एक ही एपिसोड हुआ है, मैंने लेकिन वेट कर रही थी कि इसके एपिसोड थोड़े ज़्यादा हो जाएं फिर देखूँगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा देखना शुरू करती हूँ तो बैक टू बैक देखती हूँ, मुझसे वेट नहीं होता है एक हफ्ता के एपिसोड्स आएँ फिर देखूँ। आधा देख लिया एंड सो फार इट्स लुकिंग गुड एंड ही इज़ क्यूट। तो चलो बस फिर हेडफोन्स लगा के बैक टू वर्क। खराब हो गई, शिट, ये रिंग लाइट भी खराब हो गई, ये एसडी कार्ड रीडर भी नहीं चल रहा।
अब तो पक्का सदर जाना पड़ेगा। सो आई वॉज गोइंग आउट, लेकिन बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मुझे बस याद आ गया सनस्क्रीन रीअप्लाई करने का वक्त हो गया है। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैवलर की जो ग्लो SPF है उसके अलावा मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ प्राइमरी की BFF SPF है ये। इट्स वेरी लाइट वेट, स्किन लाइक है, बहुत थोड़ा सा वाइट कास्ट होता है बट वो थोड़ा एब्जॉर्ब कराओ तो चला जाता है कुछ देर में। तो यस, दिस इज़ योर रिमाइंडर कि अपनी सनस्क्रीन को अप्लाई करें और रीअप्लाई भी करें 3-4 घंटे में, क्योंकि गर्मी बहुत है ब्रो। A few inches later. So ladies and gentlemen, this is Hashmi Center, Urf Camera Market. Honestly, I'm not sure आप मुझे सुन पा रहे हो नहीं, but ये है जी Hashmi Center Camera Market है, ये सदर में है, रीगल चौक के बहुत करीब है और काफ़ी कम रेंज में सारे स्टूडियो इक्विपमेंट मिल जाते हैं, लाइटिंग, कैमरा, सब कुछ। मुझे ना 4-5 चीज़ें चाहिए। पहले तो आप मुझे कोई अच्छी सी ना स्टूडियो लाइट दिखा दें। गोडॉक्स की SL60। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्राइपॉड और बाकी वो जो मिनी पोर्टेबल लाइट होती है LED वाली, वो भी दिखा दें। स्टिक कार्ड रीडर भी दिखा दें। और मोड चेंज होता है? सही। अच्छा, वो छोटा वाला ट्राइपॉड होगा, हैंड हेल्ड होता है या फिर गिम्बल? माई ऑब्सेशन फॉर विंटेज कैमरा, यू गाइज हैव नो आइडिया। और मुझे अभी सदर में ये एक शॉप दिखी है, इनकी पूरी शॉप में सिर्फ विंटेज कैमराज हैं। अच्छा, एक ने मुझे सोनी का ये साइबर शॉट पसंद आया, कलर इज अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। सेकेंड ऑप्शन ये है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये निकोन का P310 है, कूल पिक सीरीज। ऑल्सो ये वाला है फुजी फिल्म का, बहुत रिट्रो, काफ़ी विंटेज वाइब्स दे रहा है ये भी। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे दोनों ही बेस्ट लग रहा है, ये निकोन भी और ये साइबर शॉट भी। ओके जी, सो आई एम डन विद ऑल द इक्विपमेंट शॉपिंग, और थोड़ी सी इम्पल्स शॉपिंग भी हो गई है मुझसे, मुझे कैमरा लेना नहीं था बट आई गॉट इट एनीवेज। आप लोग गेस करो मैंने कौन सा कैमरा लिया होगा। बाय द वे, घर जाके डिटेल वाला शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ। आई कांट वेट टू शो यू ऑल को मैंने क्या क्या लिया और क्या नया इक्विपमेंट खरीदा है। अच्छा, ट्रैफिक से बच बच आके हम लोग आ गए हैं घर, और घर आते ही मैंने पहले चीजें यहाँ पे निकाल ली, कैमरा सेट कर लिया है ताकि मैं शॉपिंग हॉल शेयर कर सकूँ कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ सदर से। अच्छा, ये 4-5 चीज़ें हैं लेकिन इनके चक्कर में मेरा बैंक आधा खाली हो गया है, बट खैर नेवर माइंड, मैं आप लोगों को शॉपिंग हॉल देना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये जी, ये जो है ना, ये बॉक्स मैं सबसे एंड में दिखाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मेरा कैमरा है, और ऑनेस्टली मैं इतनी खुश हूँ ना अपने इस परचेज से, लेकिन एंड में दिखाऊंगी। सबसे पहले जी लिया था मैंने ये ट्राईपॉड। अच्छा, ये ट्राईपॉड मैंने उस लाइट के लिए लिया जो ब्लू बॉक्स में रखी हुई है। अच्छा, इसके प्राइस नहीं याद आ रहा मुझे एग्जैक्ट, आई थिंक 800 या 1000 का था, 1000 से ऊपर का तो नहीं था मेरे ख्याल में। खैर, बाकी ये ट्राईपॉड सिर्फ लाइट के ही नहीं है, इसमें मोबाइल भी लगा सकते हैं, सॉफ्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, रिंग लाइट भी, कुछ भी लगा सकते हैं। ये जी मैं खोल लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये रहा ट्राईपॉड, एकदम मैट ब्लैक में है ये, और ये थोड़ा सा हैवी वाला है, मतलब एग्जैक्टली कैमरे वाले जितना भी हैवी नहीं है, और बिल्कुल जो रिंग लाइट के साथ आते हैं ना सस्ते वाले जो 400-500 को मिल जाते हैं अब, वैसे भी नहीं है, मिड क्वालिटी का है लाइट के लिए, ताकि लाइट गिरे ना, स्टेबल रहे ये। मैंने वहाँ शॉप में काफ़ी सारे ट्राईपॉड निकलवाए थे, मुझे ये बेस्ट लगा, काफ़ी स्टडी था, मतलब अच्छा लगा था मुझे। अच्छा, तो नेक्स्ट जी देखते हैं दिस वन, ये जी है स्टूडियो LED लाइटिंग किट। ये मैंने लाइट मंगवाई है मेरी, क्योंकि रिंग लाइट ऑब्वियसली ख़राब हो गई थी। ऐसा पता है मुझे लेनी ना गोडॉक्स की SL60 थी, बट थोड़ी ज़्यादा महंगी लगी मुझे, तो मैंने उसको डिस करा दिया और मैंने ये बाय की है। इसके साथ ही क्या क्या चीज़ें आई हैं, पहले लाइट दिखाती हूँ मैं आपको। ये जी है लाइट, LED लाइट, और इस तरह से इसके विंग्स खोलो आप तो ये जी लाइट है, और एक अदद ये डब्बा है, इसमें आई थिंक चार्जर है इसका, और ये जी दो इसकी बैटरीज हैं। अच्छा, ये बिना लाइट की बैटरी से भी चल सकती है और तार पे बिजली के साथ भी चल सकती है, और ये इसका ऊपर का आई थिंक हेड है इसको लाइट को रोटेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको जला के दिखाती हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी तेज़ लाइट है ये। इसके यहाँ बैक पे ना ये बैटरीज लगेंगी, दो बैटरीज हैं, दोनों लगेंगी। आप चाहो तो बैटरी नहीं लगानी, तो डायरेक्ट तार से भी लगा सकते हो उसको। सो लेट मी जस्ट डू दैट, ओके डन। अच्छा, मैं जला के दिखाती हूँ, लुक एट दिस, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मैं इसको लेने के लिए दिल नहीं मान रहा था मेरा, लेकिन जब उन्होंने खोल के दिखाई ना ये लाइट, बहुत तेज़ लाइट है ये, मतलब
सही में मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, पावरफुल लाइट है. और इसकी बेस्ट बात अगेन ये है कि इसमें मोड्स भी चेंज होते हैं. अभी मैं लेफ्ट साइड रोटेट करके देखो, बिल्कुल वाइट लाइट कर दूंगी और ये बिल्कुल वार्म लाइट कर दूंगी. मतलब ये बिल्कुल वाइट, ये बिल्कुल वार्म. तो ऐसा सीन है इसका, मोड्स चेंज कर सकते हो. इसके साथ साथ आप इसको डिम या तेज़ भी कर सकते हो. ये लाइट डिम हो गई, ये जी थोड़ी तेज़ 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 तेज़, और ये फुल तेज़ हो गई. अच्छा तो ये थी जी मेरी स्टूडियो लाइट, ये तो जी हो गई डन. अब ये वाला खोल के देखते हैं. ये ना मिनी पोर्टेबल सेल्फी LED लाइट है. एंड मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक सर्टन बिजनेस सर्टन पेज है जो कि सेम ये लाइट 13,000 की और 10,000 की बेच रहे हैं. और लिटरली मैं ये 3,000 रुपये की खरीद के लाई हूँ. इनफैक्ट दराज से भी काफ़ी सस्ती मिल रही है, मैं उसका लिंक लगा दूंगा. अच्छा डब्बे में इसमें चार्जर था, बैक क्लिप था और एक मोबाइल क्लिप था. ये जी है वो लाइट. और मैं ज़रा बैक कैमरा सा क्लिप वगैरह लगा के आऊँ, ऐसा ना मुझे टूट जाए. मैं ज़रा सुकून से देखती हूँ पहले कैसे लगेगी, फिर मैं लगा के आती हूँ. अच्छा तो ये दोनों फ़ोन और बैक क्लिप लग चुके हैं. और ये इसके पीछे उधर बटन है, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये इस तरह से लाइट जल जाएगी. ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पता है. आई थिंक अगर आप बड़ी लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, और आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आई थिंक ये उसके सबसे बेस्ट रहेगी. अच्छा इसमें भी ना डिफरेंट मोड्स हैं, वही कलर्स चेंज होते हैं, वार्म भी है, कूल भी और मिड लेवल भी है. तो अगेन बेस्ट है ये जी. इसका इफेक्ट है देखने में, देखो इस तरह से. मैं हाथ भी करके दिखाती हूँ. ये बिल्कुल जी वाइट लाइट, ये येलो लाइट. और इसमें तार बैटरी है, कुछ चक्कर नहीं है, बस चार्ज करना होता है इसको. बस ऐसे ही बैग में डालो और किसी भी ओकेजन पे, वेडिंग पे, जहाँ भी जाना हो चले जाओ. तो ये इसकी गुड बात है कि पोर्टेबल है ये. अच्छा ये दो ना बिल्कुल रैंडम सी चीज़ें हैं. एक तो ये मेरा SD कार्ड रीडर है आईफोन में, क्योंकि ज़ाहिर उसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं होता है. और सेकंड ये मेरी कैमरे का, मैंने एक्स्ट्रा बैटरी पैक लिया है ताकि मतलब वीडियो शूट करते हुए बीच में बैटरी अक्सर डेड हो जाती है, तो उस टाइम काम आता है. ये एक्स्ट्रा बैटरी पैक होनी चाहिए. ओरिजिनल नहीं है बाय द वे, ये सस्ती मिल गई थी. अच्छा वो तो वही सारी रैंडम चीज़ें. अब बारी है इसको अनबॉक्स करने की, माई विंटेज कैमरा. अच्छा विंटेज कैमरा की ऑब्सेशन आपको बताऊँ, मुझे लगी है रिसेंटली. आई थिंक रमज़ान से कुछ पहले मैंने देखना स्टार्ट की थी, तो मुझे बड़ा ना फैसिनेट कर रही थी ये विंटेज फुटेज और विंटेज जो पिक्चर्स होती हैं, विंटेज कैमराज होते हैं. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो मुझे लेना ही लेना. एंड लेट मी जस्ट शो यू गाइस. ओके दिस इज माय फर्स्ट विंटेज कैमरा. अच्छा ये चार्जर वगैरह निकाल लेते हैं. ये जी इसका चार्जर हेड है और बाकी ये इसकी केबल है. नाउ ये जी है हमारा कैमरा एंड दिस इज निकोन कूलपिक्स P310 इन द वाइट कलर. तो ये जी है मेरा छोटो सा क्यूट सा कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा. अच्छा दिस इज़ लाइक ए यूज्ड कैमरा, रिफर्बिश्ड इनफैक्ट ये, तो मतलब ऑलरेडी किसी के यूज़ में था, पुराना ही है. एंड आई गॉट इट इन 12K 12,000. इनफैक्ट आजकल जो इसके प्राइस चल रहे हैं, आई मीन न्यू अगर आप खरीदो निकोन कूलपिक्स P310, तो आपको 70K से 90K तक के दरमियान मिलेगा नया. लेकिन ये पुराना ज़ाहिर है, मैंने अच्छा खासा पुराना लिया है, तो इसलिए मुझे कम पड़ गया. बाकी वो शॉप भी काफ़ी अच्छी थी, इनके पास काफ़ी सारे इस तरह के विंटेज कैमराज थे और बहुत अच्छा है. टू बी ऑनेस्ट विंटेज के हिसाब से ना इसकी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मैं वैसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कैनन का G7X है मुझे वो बहुत पसंद है. इंशाल्लाह वो भी एक दिन लूँगी मैं. बट ये निकोन वाला मुझे उससे काफ़ी क्लोज लगा है. इनफैक्ट जो रात की जो पिक्चर्स होती हैं फ्लैश में जो हम लेते हैं ना, वो तो बहुत क्लोज हैं. मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ निकोन से जो मैंने ली हुई है अपने कैमरे से. ये मुझे ना ये कैमरा पसंद इसलिए आया था कि इसमें ना ट्रू विंटेज वाइब थी और प्लस क्लैरिटी बहुत थी पिक्चर्स में. और ना इसकी वीडियोज़ भी काफ़ी स्टेबल हैं. इसके अलावा मुझे सोनी का जो साइबर शॉट है ना, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था. बट लेट्स सी बाद में कब इंशाल्लाह लेंगे वो. सही मैं कैन नॉट इवन टेल कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अभी. मुझे कितना मज़ा आ रहा है इस कैमरे को यूज़ करके, और कैमरा मुझे इन जनरल कितना अच्छा लग रहा है ये. एंड एक सिग्नल स्टेट क्या है. 12 seconds later. ओके गाइस थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो गई है. मुझे वीडियो बनाते हुए रैंडमली बीच में याद आया आज की डेट, और मुझे याद आया कल मेरे असाइनमेंट की डेडलाइन है. मैंने अभी तक असाइनमेंट बनाया है नहीं. क्या मैंने मटेरियल जमा किया है नहीं. क्या आज पूरा दिन मैं मार्केट घूम रही थी जी हाँ. और क्या ऑलरेडी रात हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है. शिट खैर मुझे अब इंसान बनकर पढ़ना पड़ेगा. एम आई क्राइंग? नो. A little food break because I'm hangry. Guys, it's already past 2. मुझे नहीं पता भी और कितना टाइम लगने वाला है. 2 तो बज ही चुके हैं ऑलरेडी. सो यस दैट वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.